एक साथ तीन भारत रत्न का ऐलान किया गया है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एनएस स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने से ठीक पहले उनके दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है। देश के किसानों की लंबे समय से मांग रही थी कि चौधरी चरण सिंह को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाए। उनके परिवार की भी यही शिकायत रही थी और अब ऐलान हो गया है, चौधरी चरण सिंह को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। उनके साथ ही पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन को भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि तीनों का भारत के विकास में अहम योगदान रहा। एम एस स्वामीनाथन को देश की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इनमें से तीनों नाम ऐसे हैं जो लंबे वक्त से मांग की जा रही थी इनके लिए भारत रत्न की, और अब इन्हें यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे दिया गया है। एम एस स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए तीनों के तीनों नाम ऐसे जिनके लिए लंबे वक्त से भारत रत्न की मांग की जा रही थी, और खास तौर पर चौधरी चरण सिंह का यहां पर जिक्र करना होगा। ये ऐसे वक्त पर ऐलान किया गया है जब आरएलडी बीजेपी के साथ सम्मिलित होने जा रही है। देखिए बिल्कुल, और आप टाइमिंग देखिए कितनी अच्छी है। तीन लोगों को अगर भारत रत्न देने की घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है, जिसमें चौधरी चरण सिंह जो समाजवादी परिवेश से आते थे, जिन्होंने इमरजेंसी के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार टूट गई तो उन्होंने फिर से कोशिश की कि सरकार को एक जो है मजबूत सरकार दी जाए, और उन्होंने कांग्रेस के साथ जाके सरकार तो बनाई लेकिन कांग्रेस ने अपना समर्थन खींच लिया था उनसे वापस, और फिर देश में दोबारा चुनाव हुए। और जो है चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता के रूप में जाने जाते थे, हमेशा किसानों की आवाज उठाते थे, और इसीलिए आप देखेंगे कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की लंबे समय से जो है वो मांग की जा रही थी, और आज वो मांग पूरी हो गई है। हिमांशु, वो तब हुई है जब भारत रत्न के ऐलान के टाइमिंग पर भी गौर करना होगा। जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जो कि किसानों के नेता माने जाते थे, एम एस स्वामीनाथन का जिक्र यहां पर बेहद अहम है, जो कि कृषि वैज्ञानिक थे, ये दो नाम ऐसे वक्त पर आए हैं जब किसानों का आंदोलन हो रहा है। हमने कल भी देखा था कि कैसे एक लंबा चौड़ा जाम करके प्रदर्शन किया गया था, यानी कि किसानों के मन में जो नाराजगी है कहीं ना कहीं उसको पाटने के लिए, उसको थोड़ा बहुत थामने के लिए ये इन दोनों नामों का ऐलान शायद किया गया हो। देखिए बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह हो, एम एस स्वामीनाथन हो, दो किसानों की बात कहते रहे, और स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, अगर बीजेपी जब विपक्ष में थी तो वो कहते थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए, कांग्रेस अब कहती है, और बीजेपी ने कुछ कदम जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट के उठाए और ये कहा कि हम स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो रिकमेंडेशन है, उनको लागू कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री इस बात को लेकर समय समय पर ये बातें कहते रहे हैं, और अब स्वामीनाथन को भारत रत्न और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर किसानों की जो नाराजगी है, किसान जिस तरीके से दिल्ली का एक बार फिर से घेराव करने के लिए कूच कर रहे थे, उनको ये संदेश दिया गया है कि देखिए जो लोग किसानों के हित की बात करते रहे हैं, हम उनका मान सम्मान भी करते हैं, आप इस चीज को ध्यान रखिए, किसानों के हितों के खिलाफ जो है मोदी सरकार नहीं सोचती है। और इन दोनों नेताओं को भारत रत्न की घोषणा करने के बाद मुझे लगता है कि किसानों को यह संदेश दिया गया है कि देखिए आपकी जो बातें हैं, जो मांगे हैं, उनको माना जाएगा, आपके जो नेता हैं चौधरी चरण सिंह और जिन व्यक्ति ने किसान यादव इस वक्त बोल रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए। सर, उत्तराखंड के हल्द्वानी घटना को लेकर क्या कुछ है? बीजेपी क्या न करा दे। हिमांशु मिश्रा में सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए इस बीच नैरेटिव ये भी बन रहा है कि इसमें सम्मान और कृतज्ञता का भाव कम है और इसमें सियासी एंगल ज्यादा है।
जब कोई फैसला लिया जाता है तो जो विरोधी हैं वो इसी तरीके की बात करते हैं। हर फैसले के पीछे सियासत भी होती है। और टाइमिंग, जो बात आपने कही कि जयंत चौधरी के साथ आरएलडी जो उनकी पार्टी है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है वो लगभग लगभग तय हो चुका है। हमने पहले भी बताया कि बागपत और बिजनौर दो सीटें जो है वो दी जा रही है, एक राज्यसभा सीट जो है जयंत चौधरी की पार्टी को दी जा रही है, और साथ में भारत रत्न, जिसको लेकर आरएलडी की तरफ से लंबे समय से ये मांग चलती रही। अजीत सिंह जो जयंत चौधरी के पिता हैं वो भी इस मांग को जो है करते रहे। खुद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये मांग की गई कि चौधरी चरण सिंह को जो है वो जो है उनको भारत रत्न देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग पे सवाल उठेंगे। अब ये कहा जाएगा कि उनको जो है चुनाव की दृष्टि से जो है वो दिया गया है भारत रत्न, लेकिन अगर आप देखेंगे इस साल 5 लोगों को भारत ठीक है, रत्न शुरू की से शुरू घोषणा की करते गई है। हैं। हिमांशु, जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया तब ये कहा गया कि अति पिछड़ी जाति को खुश करने की कोशिश की गई है। जब लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया तब राम जन्मभूमि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त था। तो इस टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, टाइमिंग को लेकर जो है समय समय पे सवाल उठेंगे, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना काम करने का तरीका होता है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तरीका है। वो समय समय पर इस तरीके के फैसले लेकर विपक्षी दलों को भी चौंकाते हैं और आम जनता को भी चौंकाते हैं कि उन्होंने जो टाइमिंग पे फैसला लिया वो कितना सक्सेसफुल रह सकता है, ये बताता है। आप देखिए, आपने सही कहा, कर्पूरी ठाकुर को जो है 23 तारीख को घोषणा की जाती है, 24 तारीख को उनकी 100वीं जयंती थी, उसका कार्यक्रम होता है, और उसके बाद खुद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं और वो फिर एनडीए में शामिल हो जाते हैं इंडिया ब्लॉक को छोड़कर। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा की जाती है और ये कहा जाता है कि राम जन्मभूमि मूवमेंट को बड़ा लार्ज स्केल में खड़ा करने का। राजीव शुक्ला की प्रतिक्रिया आ रही है। नरसिम्हा राव जी, जिन्होंने आर्थिक सुधार सबसे जबरदस्त किए थे, और मुझे दुख है कि उनके साथ मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, इन दोनों ने आर्थिक सुधार लाए जो बाद में 2004 से 14 तक लागू हुए, उसके खिलाफ श्वेत पत्र आ रहा। तो एक तरफ तो आप उस टीम को भारत रत्न दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसी टीम की जो है आलोचना कर रहे हैं संसद में। नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, और स्वामीनाथन जी तो यहाँ पे बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक, राज्यसभा में भी हमारे साथ थे, उनको भारत रत्न देने के लिए।